यू नो वेरी वेल ठीक है यानी कि जब भी हम हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते करते हैं हैं तो हम हम उसके लिए क्या गुड्स को कंज्यूम करते हैं कंज्यूम करने का मतलब इनटेक करना ठीक है तो उससे क्या होता है उससे हमारी वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो जाती है अगर हम हंगरी हैं अगर हम भूखे हैं तो हम खाना खाएंगे हमने खाने का कंजम्पन किया तो हमारी जो भूख है वो यहां पे दब गई मतलब खत्म हो गई ठीक है सो कंजम्पन के ऊपर जब भी खर्चा किया जाता है एक्सपेंडिचर आपका खर्चा होता है तो उसको अपन कंजन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं ठीक है तो बच्चों यहाँ पे ना इसके तीन कॉम्पोनेंट होते हैं सबसे पहला होता है हाउस होल्ड दूसरा होता है गवर्नमेंट और तीसरा होता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ठीक है इन तीनों को एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ ओके तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों हाउस होल्ड की देखो हाउस होल्ड क्या करता है हाउस होल्ड बेसिकली खर्चा करता है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि बेसिकली जो भी अपन ने अभी तक बात करी वो अपने हाउस होल्ड की बात करी है ठीक है सो हाउस होल्ड आपको इजिली समझ में आ जाएगा अभी अपन डेफिनेशन देखेंगे इसकी फिर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट की देखो गवर्नमेंट आप सोचोगे कि यार गवर्नमेंट किस तरीके से कंजम्पन पे खर्चा करती है मतलब गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर आदमी तो है नहीं जो कि अपना पेट भरने के लिए खर्चा कर रहा है नहीं इट्स अ बॉडी राइट सो देखो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट भी कंजम्शन पे खर्चा करती है किस तरीके से करती है अब जैसे ना गवर्नमेंट को क्या करना है की सपोज uh, करो कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहां पे मिड डे मील वाला जो हमारी अः uh, कह सकते हैं कि जो स्कीम है उसको अगर स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी खुद खर्चा करेगी है ना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है बच्चों के कंजम्पशन के ऊपर ठीक है सो इस तरीके से जब भी कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है नई नया कोई भी इस तरीके का को कोई प्रोग्राम लेके आती है सपोज अगर गरीबी ज्यादा है या फिर कोई नेचुरल कलेमिटी कहीं पे आ चुकी है कोई अर्थक अर्थ क्वैक आ गया कोई फ्लड आ गया कहीं पे तो गवर्नमेंट वहां की क्या करती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पता है कि भैया वहां के जो लोग हैं वो अभी इतना केपेबल नहीं है कि वो खुद का पेट भर सके ठीक है वहां पर ना इतनी खेती हो रखी है अभी इस टाइम पे जो भी था वो सब स्पॉल हो गया तो हमारी सरकार इस पॉइंट पे क्या करती है कि वो खर्चा करती है कंजम्शन पे यानी कि खर्चा करा ठीक है जो भी फूड की जरूरत है या फिर जिस शेल्टर की जरूरत है जिस चीज की भी जरूरत है वो वहां के लोगों को प्रोवाइड करवा दिया सो दिस इज द एक्सपेंडिचर विच इज कंसिडर्ड इन टू दिन ऑफ द गवर्नमेंट ओके फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखो नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अब ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये जिन जो प्रॉफिट बिल्कुल भी अर्न नहीं करते हैं तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन से हो गए आप खुद अपने दिमाग से सोचिए मंदिर होते हैं ठीक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एनजीओ ये जो होते हैं ये क्या करते हैं इनका खुद का कोई प्रॉफिट यहाँ पे इनको नहीं मिलता है लेकिन फिर भी लोगों के बीच में ये क्या करते हैं लोगों के बीच में चैरिटी करते हैं ठीक है लेन देन करते हैं ले, लेते कम है देते ही ज्यादा है ठीक है देने की भावना ये लोग ज्यादा रखते हैं सो जैसे मस्जिद में आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली गुरुद्वारे में भी यही होता है मंदिरों में होता है कि मंदिरों जैसे गुरुद्वारे में लंगर का सिस्टम होता है तो वहां पे क्या होता है कि आप वहां पे जाएं बहुत ही टेस्टी खाना आपको ऑफर किया जाता है बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी खाना वहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है ठीक है जिनके पास पे शेल्टर नहीं होता है वो लोग यहाँ पे आकर के खूब खूब खुँँ दिन रह लेते हैं है ना जिनके पास में घर बार नहीं होता है वो लोग यहाँ पे आके रह लेते हैं एनजीओ जो होते हैं वो इन सब चीजों की मदद करती है बहुत से लोगों की सो बेसिकली इसीलिए इनको नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है तो जब ये सारे इंस्टीट्यूशन कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं ठीक है जैसे मैंने अभी बात करी गुरुद्वारे में लंगर होता है तो गुरुद्वारे में जो लंगर होता है उसमें क्या होता है कि वही खाना तो न जाने कितने लोगों के लिए बनता है पूरे टाइम वो लंगर चालू रहता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई टाइम फिक्स होता है नहीं पूरे टाइम वो लंगर चालू रहता है जो आते हैं दर्शन करने वो फिर खाना खा के जाते हैं ठीक है मोस्टली ऐसा ही होता है सभी गुरुद्वारे में तो इतना जब uh, मतलब लोगों का पेट भरा जा रहा है तो खर्चा भी होता है ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके के खर्चे को अपन किसमें काउंट करते हैं कंजम्शन एक्सपेंडिचर में अपन काउंट करते हैं ठीक है अब इसकी ना कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है ये मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है अपना आज का ये सो हाउस होल्ड बाई कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिसफेक्शन ऑफ दॉन्स ठीक है सो हाउस होल्ड क्या करते हैं कंज्यूमर गुड्स पे अपना खर्चा करते हैं कंज्यूमर गुड्स पे जब अपना खर्चा करते हैं तो उसको अपन कंजम्पन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं कंज्यूमर गुड पे खर्चा करने का मतलब क्या है बच्चों गुड so, पे खर्चा करने का मतलब ये है कि वो सभी गुड्स जो की कंज्यूमर की सेटिस्फाई करते हैं ओके नाउ अब गवर्नमेंट की बात करते हैं सो द गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफेंस फोर्स काफी बार ये होता है कि गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करती है खरीदती है खुद और डिफेंस फोर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज फॉर मिड डे मील इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड Such other purposes. अभी मिड डे मील की अपन ने बात करी थी ठीक है सो so, मिड डे मील के लिए क्या करती है गवर्नमेंट के खुद खर्चा करती है और गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनका पेट भरती है फिर अपन नॉन प्राइफ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करी थी सो दीज बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी अब ये कंज्यूमर गुड खरीदते तो है लेकिन चैरिटी के पर्पज के ठीक है सो आई होप हो तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपसे एग्जाम में एग्रीगेट पूछ लिया जाए यानी कि टोटल 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 पूछ लिया जाए ऑफ ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर तो आपको कुछ नहीं करना है बस इन तीनों को ही प्लस कर देना है इसका जो फॉर्मूला है बच्चों आपका वो ये है सो एग्रीगेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जिसमें एनजीओ जाते हैं टेम्पल मॉस्क ओके सो यहाँ पे बच्चों बहुत ही छोटा सा आपका ये वीडियो था यहां पे जो भी components है एक्सपेंडिचर के वो खत्म होते हैं आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे है ना अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर भी कर सकते हो आप लोग है ना छोटा सा वीडियो है अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा Thank you so much.